तू लौट करके चली जा, ये अभागिनी तेरी बात नहीं सुनेगी। कयादु आज लौट करके चली है, लेकिन इशारा करके सिंहिका से बोली, मैं तो जा रही हूं, मेरे बच्चे का रखवारी राम है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या बोली है कयादु अपनी नंद से? मेरा बेरे जाइयो नाना दी मेरे सैया दी के चली आई। और इते प्रहलाद विचार कर रहे हैं, लाव बुआ से विनती करके देख लें, मत हमें छोड़ दे। हाथ जोड़ करके जवाब दिया है बुआ, जा संसार में बने भले कोई, लेकिन तुमसे ज्यादा और कोई सुंदर नहीं है।
जोर से पकड़े बैठी सो कछ ढीलो कर दो। बताइए लला मैं तो कितने सुंदर लगती हूं। और वैसे भी बात बिल्कुल सच है, नारी जाति को अपनी सुंदरताई का वखान सुनना सबसे प्रिय होता है। जवाब दो लला बताइए हम कितने सुंदर हैं। तब प्रहलाद अपनी बुआ की सुंदरताई बता रहा है। क्या बोला? अरे मैंने जा जग में बुआ ना तो सी देखी नारी है। प्रहलाद बोला बुआ अरे मैंने जा जग में बुआ ना तो मसी देखी नारी है और ऐसी बुआ ना कतरी मत धर गई बुआ कुढ़ारी है। नाक तो जी मालिम पत्ते मत कुढ़ारी उठाएगी धर दई है रेसा के मारे चटक गई। अरे जी भाई सुंदरता ही है नेक देर रुक जा मेरे समय पूरो है जाने। प्रहलाद बोलो बुआ और सुने अरे ऐसी बुआ काया है सो परलन में नहीं आती है और ऐसे सुंदर कान तेरे मन कान हला वे हाथी है। ते किसम बुआ ते कान तो जी मालिन पत्तन जाखन तू रास्ता में जमते मती हाथी कान हलाए रहो है झटका दो जोर से मेरे जी में सुंदरता ही है। प्रहलाद ने कही सुने अरे बेटा बैठो गोदी में बुआ से गिराई उचारी है और ऐसे रनकी बुआ है मत काजर कर दई कारी है। प्रहलाद ने विचार करो बुआ बिना मारे ना मानेगी सुंदरता ही बताई ते किसम बुआ जी मालिम पत्ते मते काजर से पोत दई हो जिग रिसक के मारे और भब्बर आई गई अरे जी मई सुंदरता ही है। तब तक यारा धराती है आई पापी ने पेटर रही धमकाई तब तक आधी रात्रि का वक्त हो गया। सिंह का ने कही अरे जी मई सुंदरता ही है अब तू बुलाइए पे राम को। प्रहलाद ने जान ली क्या बुआ बिना मारे मानेगी नहीं तब हाथ जोड़ के और गोद में बैठो का बोलो हे राम नाम प्यारो बुआ जी बोई हिम्मत मारो हे Thank you.
विनती की, बुआ राम का नाम बहुत ही प्रिय है, इस नाम को तुम भी लेना और मेरे पिताजी से भी जाकर के कह दो। तब तक समय पूर्ण हुआ, तब तक समय जब पूर्ण हुआ, भक्तों आज सिंह का कौन सा कर्म करती थी, अरे यार धराती को समय भाव पापी ने ओढ़ लाई साड़ी रे, अरे यार धराती को समय भाव पापी ने ओढ़ लाई साड़ी रे, और बेटा बैठो गोदी में सोई आगे चली का शीतला चीर ओढ़ करके बैठ गई, अरे बेटा बैठो गोदी में बेटा बनना भैया।
में बंद हो गया, सिंह का से उड़ के और बालक से साड़ी लिबड़ गई, और तब स्वामी को हुक्म भाव साड़ी में बच गया। और जैसे ही सवेरो भाव प्रहलाद के जितने संग के लड़का हते उन्हें विचार करो चलो चल के देखें, बुआ ले गई भैया को मारवे। और जैसे ही छोटे छोटे बालक नगर से बाहर पहुंचे, क्या देखा प्रहलाद तो बस साड़ी में लिबिड़ो परमात्मा को नाम ले रहो है। और जैसे ही जब देखी बालकन ने के बुआ तो जल की राख है गई और भैया प्रहलाद बच गया, भैया के बचवे की खुशी में अरे बच्चन ने बनाई लई टोली। बहुत प्रसन्न हुए, जा में रेत दे बा में रेत दे, रेत की होली खेल वो प्रारंभ है। और ऐसा ही नहीं, अरे जब पापिनी को बदन जरो है तब ही तो होली नाम फरो है। आज संग के लड़का इत खुश भय, हिरण कश्यप को जब यह सूचना मिली कि बहन तो जल गई और प्रहलाद बच गया, हाथ पकड़ो आए के अपने लड़का को, बहन को भी खा गया, चल अब हम तुझे देखेंगे, अब मैं देखूंगा कि तेरा राम और कैसे आता है तुझे बचाने के लिए। हिरण कश्यप ने कचहरी में खम्मा को बहुत ही लाल करवा दिया अग्नि से, तब कही के देख इस खम्मा से बनवा दूंगा, बोल राम का नाम लेगा। प्रहलाद विचार कर रहा है अगर पिताजी ने इस खम्मा से मुझे बनवा दिया, परमात्मा को ध्यान कर रहो है प्रभु तुम पिताजी के सामने पर आते नहीं हो, और भगवान विचार कर रहे हैं मेरा भक्त अब हिरण कश्यप के सामने पर डर रहा है, तो परमात्मा अपने भक्त की खातिर कौन सा कर्म कर रहे हैं। अरे बोए तब ठाकुर ने भक्त के हेत रूप सोई दरिया परमात्मा
अपने भक्त के सामने पर आ रहे हैं। अरे लला ने राम नाम बोला, और चींटी बन के राम आजुबाई खम्मा पे डोला। चीटी बन करके भाई खम्मा पे डोल रहे। प्रहलाद की जो नजर पड़ी समझ गए चीटी में इतनी हिम्मत कहां है कि जा इतने लाल खम्मा पे घूम जाए, मेरा राम आ गया। नौजवान साथियों, प्रहलाद ने कही पिताजी जा खम्मा में मेरो राम है। हिरण कश्यप ने कही राम और जा खम्मा में, मेरे सामने पर क्यों नहीं आता। आकाश से सब गाने लगा, आ रहा हूं। हिरण कश्यप ने कही कौन है तू, मेरे सामने पर क्यों नहीं आता। दोबारा फिर आवाज आई, आ रहा हूं। हिरण कश्यप चारों तरफ देख रहा है, तीसरी बार फिर आवाज आई, आ रहा हूं। तरीका से